हाय अकर जका, आप पूछ रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, ये शेख रशीद वाला क्या सिलसिला है। व्हेन शेख रशीद कॉल मी हरीम, कॉल बटन इज ओपन, कॉल बटन इज ओपन एंड रिकॉर्ड फुटेज एंड लॉन्ग बूथा and log butha I will see and I record and I catch and I see I feel what I see in sandal my see this butha mera dil khadak karne laga when I see Sheikh Rasheed in a buddha oh my god what is this Hareem is your boyfriend no हरीम शाह और शेख रशीद, इनका जो भी मसला चल रहा है उसके लिए हरीम शाह और सुंदल से अभी मैं बात करूंगा। और आप लोग जो भी बात सुने उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपके कमेंट्स भी मैं भी पढ़ूंगा। जो भी आप कमेंट्स यहाँ कर रहे हैं, मेरी कोशिश होगी जो उसमें काम के कमेंट्स हैं उनको यहाँ पढ़ा भी जाए आपके नाम के साथ। लेकिन देखिए, इस बात को समझ लें, हरीम शाह या फिर कोई भी खातून पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में, अगर आपको लगता है कोई गलत काम कर रही है और आपको लगता है यार पहले इन्होंने बात कर ली और एक पर्सनल मसला था उसको शेख रशीद का इन्होंने वीडियो लीक कर दी, मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा, वो तो अपनी जो बात करेंगे अभी थोड़ी देर में वो आप देखेंगे। लेकिन देखें, मर्द को अल्लाह ताला ने कहा है कि औरत से सुपीरियर कहा है ना, इसलिए किसी भी औरत को गाली वो देगा जो नामर्द होगा। किसी भी औरत को अगर कोई औरत गलत काम भी कर रही है तो मर्द में ये पावर होनी चाहिए कि वो अपने गुस्से पे काबू करके बगैर मस्करा बने, बगैर मजाक किए, बगैर जुगतबाजी किए, औरत माँ बनती है। किसी की इस तरह बेइज्जती करना, किसी के बारे में गाली लिखना, आप बात सुने और अगर वो गलत है तो गलत औरत की इसलाह करने के लिए मर्दों को आगे आना चाहिए। अगर आप और मैं गाली देंगे, अगर आप और मैं इस तरह की बातें करेंगे तो फिर हम मर्द नहीं हैं। मर्द वो होता है जो सिर्फ हाथ उठाने में या फिर हुक्म चलाने में मर्द ना बने, बल्कि औरत की इज्जत करने में भी मर्द बने। ये बात लिख लें अपने पास। अगर कोई आपको दो नंबर खुदा ना खास्ता लड़की के साथ इंटरेक्शन हो भी जाता है तो गाली देना या कहीं दो चार लोगों में बैठ के बात करना और सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर किसी के बारे में कीचड़ उछालना बड़ी गलत बात है। ये हरीम शाह गलत निकलेगी, मैं इसके खिलाफ केस करके इसको अंदर ना करवाए। मेरा नाम वक्कार ज़का नियाज, लिख लो इस वीडियो को, रख लो अपने पास। आप अपने जो भी बात कहना चाहते हैं ये कमेंट सेक्शन में, जो भी अभी गाली लिख रहे हैं, देखें आप लोग, देखें ये कभी भी बात नहीं हो सकती अगर आप सोशल मीडिया पर सिर्फ जानबूझ के क्या मतलब गाली देने से क्या दिखाना चाहते हैं। घर में ये तरबियत कराई गई है, अम्मी ने ये बताया कि इस तरह हरीम शाह जैसी लड़की नजर है तो ऐसे बात करनी है, नहीं करो ना ये बात। पहले बात समझ लो, सुन लो, फिर बात करनी है। अभी सुंदल और हरीम शाह से हम जो भी बात करेंगे उसको गलत नहीं लेना। उसको मैं समझता हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ गलत है ना तो आप और मैं मिलकर केस फाइल करते हैं, अंदर कराते हैं, ठीक है। और अगर सही है तो फिर आपने ये सोचना है कि शेख रशीद साहब मिनिस्टर हैं, क्या मिनिस्टर की पर्सनल लाइफ का ये चक्कर हो सकता है? क्या उनका करेक्टर ऐसा हो सकता है? क्या हमारा आईन इजाज़त देता है कि इस तरह की वीडियो कॉल पर आकर एक मिनिस्टर खुद ही नंबर दे, खुद ही बात करना शुरू कर दे, फिर आगे खुद ही सारा कुछ सिलसिला चलाना शुरू कर दे? देखें, हम अपने पैसे कमाते हैं, हम अपनी बात अपनी, हम हुकूमत से पैसे नहीं ले रहे, लेकिन अगर कोई हुकूमत का नुमाइंदा बनकर ऐसी हरकत करेगा तो उसके साथ क्या होना चाहिए, ये ज़रा आप कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू करें। आपके ख्याल में अगर ये शेख रशीद साहब ने हरकत की है तो ये पर्सनल मामला जाने दो, पर्सनल मामला एक तरफ कर दो, ये ऐसे होना चाहिए, ये आप अपनी राय का इजहार ज़रा यहाँ कर दें। कोई मुस्बत और कंस्ट्रक्टिव बात लिखें ताकि पढ़ने में भी मज़ा आए, जो पढ़ने में मेरा दिल करे हाँ यार ये बड़ी ज़बरदस्त इसने बात लिखी है इसको पढ़ा जाए। क्या पर्सनल मसला समझ के एक तरफ कर देना चाहिए या एहतसाब होना चाहिए, ये आवाम डिसाइड करेगी। अगर आप समझते हैं पर्सनल बात है तो हरीम शाह फिर गलत हुई, या फिर आपको लगता है नहीं इस तरह लड़की का नंबर लेकर वीडियो कॉल पर, जैसे वो कह रही हैं कि जी लिबास उतार कर शेख रशीद साहब ने वीडियो कॉल के ऊपर कुछ भी किया है, तो ये तो अभी उनका एक इल्ज़ाम समझ लें। आपको लगता है ये ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, ये पहले तो ये लिखना शुरू करें, पहले ये बताना शुरू करें आप। अच्छा, कॉल उनकी लेते हैं, आप जो भी कमेंट्स करें, मेरी फिर रिक्वेस्ट है मर्द बनो, गाली नहीं देनी, इसलाह करनी है। अगर कोई बात आपको गलत लग रही है पहले पूरी बात सुनेंगे उनकी, फिर देखते हैं कि वीडियो में जो भी कुछ वो कह रही हैं शेख रशीद के बारे में, कि वीडियो उनका मौकफ क्या है पहले समझ लें कि जी वीडियो कॉल पर वो आए, वीडियो कॉल पर आकर उन्होंने कपड़े उतारे, उनसे बातचीत की, ये उनका इल्ज़ाम है,
ये मैं नहीं कह रहा, ये इल्ज़ाम उनकी तरफ से, हमें सिर्फ इसलिए जानना है क्योंकि बोल हाउस जो रिकॉर्ड होने वाला है, पहली दफ़ा पाकिस्तान में 30 दिन तक लोग इस तरह रहेंगे। ऑडिशन के बाद कहा जा रहा है सुंदल और हरीम को नहीं लेके जाना चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं, ओवर दी एच का जो फिनाले नहीं हुआ था, वो एक खबीस किस्म का चैनल जिसने बस पैसे कमाने के चक्कर में गड़बड़ की, वो तमाम कंटेस्टेंट जो ओवर दी एच के हैं, वो तमाम आपको उनमें से जिसके लिए आप वोट करेंगे टॉप सिक्स को बोल हाउस बुलाया जाएगा और उनका फाइनल होगा। ये भी मैं आपको बता दूं, कोई चीज़ मैं शुरू करता हूं तो छोड़ता नहीं हूं उसे कभी भी। अच्छा, यहां पर हरीम शाह और इनकी जो बात है उसके लिए पहले तो देखते हैं आपके कमेंट सेक्शन में किस किस को लगता है जो हरीम अभी बात करने वाली है या सुंदर बात करने वाली है वो आपको लगता है नहीं यार ये बिल्कुल ठीक बात है, और किसको लग रहा है नहीं यार ऐसी ड्रामा कर रही है, झूठ बोल रही है। देखते हैं आपकी प्रेडिक्शन कितनी सही होती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वकार जका, कैसे हैं आप? कैसी हैं जी? अस्सलाम वालेकुम वकार जका, कैसे हैं आप? कैसे जी? हम बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। अच्छा, बोल हाउस में आपको आने से मना कर रहे हैं शेख रशीद के चक्कर की वजह से, पहले तो शेख रशीद पे बात करते हैं, लेकिन पहले मुझे बताएं बोल हाउस का। देखिए, हम बोल चैनल के लिए जब आए हैं, ऑडिशन दिए हैं, हमने बिल्कुल क्लियरली दिए, ना कि किसी की सफारिश से आए हैं। जो आपने चैलेंज दी, हमने पूरी आवाम के सामने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसके बाद आपने सेलेक्ट किया हमें। जी हरीम, आप क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? बिल्कुल जी वकार, हम बोल हाउस में किसी सिफारिश से नहीं आए थे, न किसी ने हमें सिफारिश करके बुलाया था। हमें जो डेयर दिया गया था वो डेयर हमने किया और हम अपने बलबोते में आए हैं, न कि किसी की सिफारिश से आए हैं। अगर लोग बातें करते हैं और आप पे ये प्रेशर डाल लें कि इनको बोल हाउस से वो करें, अगर किसी के डर की वजह से या किसी की बातों में आके, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी पाकिस्तानी आवाम का यही मसला है कि वो सच न सुनती है न सुनने के कायल होती है। कोई भी बात आती है बस उसमें यही देखा जाता है कि लड़की ने क्या गलती की, क्या हुआ। बस लड़की की गलती नहीं भी होती तो उस पर गलती डाली जाती है। और दूसरा, शेख रशीद की वीडियो से बोल हाउस का कोई ताल्लुक नहीं है, मुबशर लुकमान की वजह से बोल हाउस का कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो उन्होंने किया वो उन्होंने किया, वो लुकमान की हम बात नहीं कर रहे। मैं आपसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, शेख रशीद साहब आपको इंसान कैसे लगते हैं? वीडियो की बात बाद में करते हैं। शेख रशीद एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत, मैं तो बहुत दिल के करीब है क्योंकि जी बिल्कुल, एक बहुत अच्छे पीटीआई का नामी ग्रामी, इन्होंने नाम रोशन किया पीटीआई का, इमरान खान का, हमारे जितने भी पीटीआई वर्कर हैं, जितने मिनिस्टर हैं, उन्होंने पीटीआई का नाम रोशन किया। हम उनके साथ काम करते हैं। अच्छा, मस्करापन छोड़ें और सीधा सीधा ये बताएं कि शेख रशीद साहब की वीडियो रियल है, फेक है? हिम्मत वाले हैं, अगर आप हिम्मत वालों के शो में आना चाहते हैं तो हिम्मत से सच बोलना भी, आपने पूरी स्टोरी सुनाई आप। जी हम लोग हिम्मत वाले हैं तो हम आपके शो में आए हैं और सिलेक्ट भी हुए हैं, ये आपको भी पता है और लोगों को भी पता है कि हम हिम्मत कितने हिम्मत वाले हैं। और सेकंड, वीडियो रियल है, हम लेकिन हम लोगों ने एक्सपोज नहीं किया, वीडियो रियल थी। हाँ, वो बातचीत कर रहे थे, बुला रहे थे कि आओ मिलो, गपशप लगाएंगे, तो मेरे से बात कर रहे थे, तो हरीम ने कहा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं, कल को कुछ भी प्रॉब्लम बन सकती है हमारे लिए, तो हमने वो वीडियो बनाई, बट अपलोड हमने नहीं की, वायरल हमने नहीं की। जितने भी अकाउंट हैं वो सारे के सारे मेरे फेक अकाउंट है और मैं बता चुकी हूँ कि किसी अकाउंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है फेक अकाउंट से। अब फेक अकाउंट कोई भी चला रहे हैं तो उसमें कोई भी न्यूज आके वायरल होती है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और दूसरा, ये बात मैं बारहा क्लियर करती चलूँ कि हम इमरान खान से प्यार करते हैं, हम अपने वतन से प्यार करते हैं, पीटीआई के सपोर्टर है और सपोर्ट करेंगे हमारा, हमारी पीटीआई के, जो पीटीआई को खान साहब के लिए और जो भी मुनाफिकीन है उनको हम एक्सपोज करेंगे, लेकिन अभी तक किया नहीं है जी, अभी तक हमने नहीं किया। बहुत से प्रूफ है, अगर हम करना चाहते तो हम खुद अपलोड कर चुके होते। शेख रशीद तो बहुत नीचे वाली चीज है। नहीं नहीं नहीं, बात सुने, ये बहुत ही बकवास किस्म की बात आपने की है जी, वो बड़े नीचे वाले इंसान है, ये बहुत ही गलत बात है। देखें, इसी वजह से ना लोग आपके अल्फाज जो होते हैं ना, असल में अल्फाज का चुनाव बड़ा ज़रूरी है। आप किसी के बारे में अल्फाज कुछ ऐसा कह देंगे ना तो वहाँ से बड़ी गलत बात हो जाएगी। अब शेख रशीद साहब की खिदमात को किस तरह आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, ये तो एक पर्सनल मसला है। आई थिंक पर्सनली भी लोग इस किस्म की अगर कोई वीडियो कॉल या कुछ भी करते हैं तो इसको इस तरह बाहर निकालने में तो FIA, साइबर क्राइम और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। मैं आपसे बात करने का मकसद ये था जी, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आना शुरू हो गए जी, आप ऐसी लड़कियों को अपने शो में बोल हाउस में लेके जा रहे हैं तो ये बड़ी गलत बात हो जाएगी। एक हफ्ते बाद रिकॉर्डिंग शुरू होनी है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहेंगी तमाम लोगों को कि अगर इन लोगों ने कहा ना कि आप नहीं होंगी तो आप नहीं होंगी फिर बोल हाउस में दोनों, तो आप ज़रा बयान फरमा दें, एक आखिरी जुमले जो भी आपके हैं
ताकि पता चल जाए लोगों को कि आपको आगे ले जाना चाहिए नहीं। और फिर वो जो एक कॉल है, एक मैं फुटेज इसके बाद जो आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी हुई है, जो शीदा टल्ली आपने नाम रखा हुआ है, शेख रशीद साहब को शायद आपने रखा हुआ है, तो वो मैं अभी कॉल की जो वीडियो है वो व्हाट्सएप की कॉल मैं इस आपके कमेंट्स के बाद वो लगा देता हूँ, और फिर लोग जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि ये कितनी हद तक ये सच्ची नज़र आ रही हैं और शेख रशीद साहब सही हैं या उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। आपको लगता है कि शेख रशीद साहब को जो है इस तरह छोड़ देना चाहिए, पर्सनल मसला है, या एज अ मिनिस्टर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और उनसे पूछगछ होनी चाहिए, ये आवाम कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैं अब चाहता हूँ कि आप जरा एक फाइनल क्लियर कर दें, उसके बाद आवाम डिसाइड करेगी। और हमेशा हमारे खिलाफ ही क्यों आप लोग बात करते हैं, हमने ऐसा क्या गलत किया है? अगर कोई पीछे आता है तो खुद आता है, शेख रशीद आता है तो खुद ही पीछे आता है, जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब हरीम और संदल आती है तो शेख रशीद आता है। जब बारिश आते तो ज्यादा पानी आते, ज्यादा बारिश आते तो उससे भी ज्यादा पानी आते, जब बारिश नहीं आता तो फिर बिलावल भुट्टो आते हैं और फिर संदल और हरीम आती हैं और फिर शेख रशीद आता है। इन्हीं बातों की वजह से ना फिर इमेज अजीब हो जाता है आप लोगों का। मुबशर लुकमान के बारे में आपने जो बातें बोली वो भी ये कह रहे हैं कि जी सबूत लाकर दिखाएं, और मुबशर लुकमान ने पता है ना, और रही मुबशर लुकमान की बात, तो मुबशर लुकमान ने भी वही सब कुछ किया जो आप लोगों को दिखाया गया, जो आप लोगों ने देखा। देखिए मुबशर लुकमान के हम लोग खिलाफ होके हमने मुबशर लुकमान को एक्सपोज नहीं किया था, हमने आज बात में पता डाला था, हमने आज मुबशर लुकमान साहब खुद गए हमारे खिलाफ पुलिस में केस कर दिया, हम उसको जस्टिफाई ना करते। मुबशर लुकमान खुद गए जाके वो जो पुलिस में केस किया था वो न्यूज पे वायरल कर दिया, हम उसको हमारे पास कितना प्रूफ था, लेकिन आज तक हम लोगों ने वो अपलोड नहीं किया। मुबशर लुकमान के साथ उतना ही किया जितना उन्होंने हमारे साथ किया, हमने जवाबन किया, हमने कभी भी मुबशर लुकमान के साथ ज्यादती नहीं की, उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। और अभी भी हम सबका कभी भी हम अपलोड वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, एक्सपोज कभी भी नहीं करेंगे, हम इनका कोई मैसेज भी नहीं करेंगे ना ही कोई भी। हालांकि हमें इतने लोगों ने कहा कि आप जो है मुबशर लुकमान का वो करें, सब कुछ करें, लेकिन हमने उतना किया जितना कि उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की, हमने उससे बदले में उतना ही किया, हमने हद से नहीं बढ़े। लेकिन अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपने आखिरी दफा बताना है, शेख रशीद साहब ने क्या आपको अप्रोच किया है या नहीं किया, वीडियो है या नहीं है, और क्या आपने वीडियो एक्सपोज की है? मैं जानता हूं अभी आप कहीं किसी डेजर्ट वगैरह में आपने उतरना है, बेशक आप गाड़ी से उतर जाएं आराम से और फिर मुझे यहां पर इंडिकेशन दीजिएगा ताकि मैं आपके कॉल पर वापस आ सकूं। ये आपने सोच समझ कर बताना है मुझे, क्योंकि इस दफा मैं खुद इस केस में पीछे पढ़कर देखूंगा कि शेख रशीद साहब के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही, उनका नाम बदनाम करने की बात तो नहीं हो रही, क्योंकि आप मेरे शो की कंटेस्टेंट हैं, मैंने आप ऑडिशन में आपकी सिलेक्शन की, और मैं किसी भी ऐसे इंसान की सिलेक्शन नहीं की आज तक जो बाद में कोई इंसान अच्छा ना निकले या कोई माशरे के लिए बहुत बदकारियां कर रहा हो। तो ठीक है, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये बात अपने जहन में रखें कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताएं कि शेख रशीद साहब ने आपको अप्रोच किया या आपने उन्हें खुद अप्रोच किया या हनी ट्रैप करने की कोशिश की, और अगर कोई वीडियो है तो वो आपने लीक की है या किसने की है? जी शेख रशीद से हमारी वीडियो कॉल में बात हुई थी, मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने मैसेज वगैरह किए, तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे वीडियो कॉल की व्हाट्सएप पे, तो हरीम ने जल्दी से रिकॉर्डिंग कर ली कल को कि कोई प्रॉब्लम बने तो, और वो यूज़ करते हैं, उनकी कॉल्स रिकॉर्ड है, फिर उसके बाद हरीम से भी बात की, मेरे से भी बात की और मिलने को भी बोला उन्होंने, लेकिन हमने एक्सपोज नहीं किया, लेकिन हमने नहीं बताया, हमने एक्सपोज नहीं किया उनको, किसी और ने अपलोड किए हैं वीडियोज। अब आप लोग बताएंगे कि बोल हाउस में इनकी सिलेक्शन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, शेख रशीद साहब वाकई गुनाहगार हैं या नहीं है, या ये लड़कियां झूठ बोल रही हैं। एक कॉल मैं आपको सुना रहा हूं जो इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी है, वो आप देख लीजिए जिस नाम से इन्होंने नाम सेव किया हुआ, फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, लेकिन फिर वही बात, इज्जत के साथ कमेंट्स करने हैं ना, आप करने ये आपका काम है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं कर लें, यही आपका काम है, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, मैं तो आपके लिए यही दुआ करता हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, मैंने आज तक आपका कोई राज फाश नहीं किया, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? ड्रामा क्यों किया? अल्लाह मालिक है, देखे मैं क्या, अल्लाह मालिक है, आप नंगा होकर मुझे दिखाते थे वीडियो पे, गलत गलत किस्म की हरकतें करते थे उस वक्त।